आप सबने सुना होगा कि एक हेल्दी पर्सन को 8 घंटे की नींद की जरूरत होती है, मगर सोच कर देखिए क्या होगा अगर हम सोए ही ना। तो चलिए जानते हैं क्या होगा अगर एक इंसान अच्छे से नींद नहीं लेता या फिर सोता ही नहीं है, और ये भी जानेंगे कि ना सोने का हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपने कभी ना कभी फील किया ही होगा कि जब हमें कहीं जाना होता है या फिर हम जब किसी काम के लिए एक्साइटेड होते हैं तो हमें नींद ही नहीं आती, और अगर आती भी है तो हम बहुत जल्दी उठ जाते हैं। गाइस, जानकर आपको हैरानी होगी कि एक इंसान अपनी पूरी लाइफ के अप्रॉक्स 26 ईयर्स बस सोने में बिता देता है। बट सोचने वाली बात यह है कि अगर एक ह्यूमन कभी भी ना सोए तो क्या होगा। शुरुआत में तो कुछ नहीं होगा, अगले 24 घंटों तक आपको सब कुछ नॉर्मल लगेगा। 24 घंटे बिना सोने के बाद आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रेन डोपामिन के सेक्रेशन लेवल को इंक्रीज कर देगा ताकि इससे आपकी नींद की कमी पूरी हो सके, पर यह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी। कुछ 36 घंटे बाद आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ने लगेगा, आपको थकान महसूस होने लगेगी, हैंड आई कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होने लगेगी, आप चीज़ों पर अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आपका चेहरा उतरा हुआ दिखने लगेगा, आंखें लाल पड़ने लगेंगी, और इस हालत में अगर आपने ड्राइविंग करी तो ये मान के चले कि आपके एक्सीडेंट होने की पूरी चांसेस हैं। अब आपके शरीर पर नींद ना ले पाने के इफेक्ट दिखने लगेंगे। आपका शरीर को ये लगेगा कि आप बंद पड़ रहे हैं, आपके शरीर में ठीक तरह से ग्लूकोज नहीं बनेगा जिससे शरीर को उसकी एनर्जी नहीं मिल पाएगी, और आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी, और इससे भी बुरा आपके चेहरे पर झुर्रियाँ दिखाई देने लगेंगी, और आपको कुछ कुछ सेकंड्स में बेहोशी आने लगेगी, और अब से आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ने लगेगा जिससे स्ट्रोक के आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए अब जानते हैं कि अगर आप 3 दिन तक नींद ना लें तो क्या होगा। जैसा कि हमने आपको अपने पिछले वीडियो वाई डू वी ड्रीम में बताया था कि हमारी नींद की सबसे डीपेस्ट स्टेज REM यानी रैपिड आई मूवमेंट स्टेज होती है, जिसमें आपको सपने आते हैं। क्योंकि अब आप सो नहीं रहे हैं और आपकी ब्रेन को रेस्ट नहीं मिल पा रहा, तो अब आपका दिमाग आपको खुली आंखों से सपने दिखाएगा, यानी अब आपको रियलिटी और सपने के बीच का डिफरेंस पता नहीं चलेगा। और इस समय अगर आप बाहर सड़क पे जाएं तो ये मानकर चलिएगा कि आपके सामने आने वाली सभी गाड़ियां असली हैं। 2 हफ्तों के बाद अब आपका शरीर का इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर पड़ चुका होगा कि अब आपके लिए एक नॉर्मल सी खांसी जुकाम भी जानलेवा साबित हो सकती है। अगर आप किसी तरह 2 हफ्ते जिंदा रहने में कामयाब हो गए तो अब आपकी 3 हफ्ते में हार्ट अटैक से पक्का डेथ हो जाएगी। यानी अगर आपको जिंदा रहना है तो अभी अपना फ़ोन बंद कीजिए और जाकर सो जाइए, और अगर नींद ना आए तो दी एक्सपर्टीज टॉक्स की वीडियो देखिए, मज़ा आ जाएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गुड नाइट।